हरे कृष्णा, मैं तुलसीप्रिया मुले बोल रही हूँ। सफल जीवन के लिए क्या जरूरी है, सुंदरता या बुद्धिमत्ता? जीवन एक लंबी यात्रा है, उसकी सफलता बचपन से लेकर जीवन के अंत तक हम जो कुछ भी करते हैं या पाते हैं उसके ऊपर निर्भर रहती है। तो आइए जाने क्या है सच्ची सफलता। क्या सफलता दिवाली की फुलझड़ी के समान है जो थोड़े ही समय तक चमकती है, या फिर सूर्य के समान है जो हमारे जीवन में हर रोज प्रकाश लेकर आता है? मेरे विचार से सच्ची सफलता जीवन के परिपूर्णता में है। इसमें व्यक्ति के अंदर दूसरों के प्रति प्रेम और जीवन में संतोष की भावना रहती है। सुंदरता और बुद्धिमत्ता दोनों ही अपना साथ थोड़े समय के लिए निभाते हैं। बुद्धिमत्ता इस सफर पे अपना साथ ज़्यादा समय तक निभाती है। विश्व के सबसे सुंदर व्यक्तियों में भी सफलता तब आती है जब उनकी बुद्धि चलती हो। यहाँ तक कि विश्व सुंदरी के प्रतियोगिता में भी वही जीतती है जो पूछे गए सवालों का उत्तर सही सलामत देती है। मेरे दृष्टिकोण से हृदय की सुंदरता और सद्बुद्धि हमें जीवन में आगे बढ़ाती है। बाकी दुनिया में जो भी लोग सुंदरता या बुद्धिमत्ता के नाम पर खड़े हैं, उनकी सफलता थोड़े ही देर के लिए चलती है। मैं यहाँ पर कुब्जा का उदाहरण देना चाहूँगी। जब श्री कृष्ण मथुरा गए थे तब उन्हें रास्ते में कुब्जा मिली। कुब्जा अत्यंत कुरूप और टेढ़ी शरीर वाली स्त्री थी। वो कंस के लिए चंदन का लेप ले जा रही थी। श्री कृष्ण ने उनसे चंदन का लेप मांगा तो कुब्जा ने बड़े ही प्रेम से वह लेप उन पर चढ़ाया। श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें वापस रूपवंती बना डाला। इस घटना से हम यह सीखते हैं कि श्री कृष्ण को भी हृदय की सुंदरता ज़्यादा प्रिय है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जो बुद्धिमत्ता का वर्णन करते हैं, जैसे कि तेनालीरमन, गोपाल बाण और बीरबल। सामान्यतः से यह देखा जाए तो सुंदरता लोकप्रिय होती है, पर बुद्धिमत्ता वास्तव में यशस्वी और कीर्तिमान होती है। सिर्फ भौतिक सुंदरता और बुद्धिमत्ता से भी क्या लाभ? कबीर जी ने इस पर कहा, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को चाया नहीं, फल लागे अति दूर। मदर टेरेसा भी दिखने को खूबसूरत नहीं थी, पर उसके हृदय के सुंदरता ने उसको अभी तक प्रसिद्ध बनाए रखा है। श्रील प्रभुपाद जी ने भी हृदय की सुंदरता और सद्बुद्धि के बल पर अभी तक सारे जगत में सफलता प्राप्त की। इसीलिए मेरा मत यही है कि हृदय की सुंदरता और सद्बुद्धि हमें जीवन के समाप्ति के बाद भी अपना साथ निभाती है। वह हमें अच्छी गति प्रदान करती है। हृदय की सुंदरता और सद्बुद्धि की गाथा युगों युगों तक चलती आ रही है। धन्यवाद।